सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज वैसे हम व्लॉगिंग कर रहे हैं दुबई दुबई से। वैसे व्लॉगिंग ऐसे स्टार्ट की है और थोड़ा सा मुझे काम वगैरह था तो मैंने वो काम वगैरह वैसे निपटा दिया है। और अभी वैसे हमारे पास टाइम है तो अभी हम वैसे जा रहे हैं पोईचा। तो आज हम वैसे पोईचा जो स्वामीनारायण टेम्पल है वो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बने रहना, अभी वैसे फ्यूल अप वगैरह करवाना है। हाँ तो ये अंकल लोग बोल रहे हैं कि कैमरा है क्या है। तो हमें जाना है राजपिपला वाले रोड पे। तो यहाँ पे रोड्स काफ़ी वैसे ख़राब है, बारिश की वजह से यहाँ का रास्ता है वैसे काफ़ी वैसे ख़राब हो चुका है। और कहीं कहीं जगह पे वैसे जो नया रोड है वैसे बनाया जा रहा है। तो हम वैसे थोड़ी देर के बाद वैसे मिलेंगे आपको बताएंगे। रास्ता है वो सीधा वैसे जाता है सिनोर की ओर और हमें वैसे लेफ्ट लेना है राजपिपला की ओर। तो हम वैसे लेफ्ट ले लेते हैं राजपिपला वाले जो रोड है उस साइड। तो अभी हमें लेना है लेफ्ट साइड राजपिपला वाले साइड को। तो हमने लेफ्ट साइड ले लिया है और अभी हम कंटिन्यूस करेंगे इस रोड को वैसे फॉलो करेंगे। और यहाँ पर स्पीड ब्रेकर देख रहे हो, कैसे छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर ऐसे बाइक्स डांसिंग कर रही है। और सच कहूँ तो ऐसे स्पीड ब्रेकर आते हैं तो आपको वैसे व्हीकल को वैसे स्लो कर लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी वैसे डेंजरस है। जो हमारा हैंडल है वैसे इस तरीके से वॉबल होता है। आप वैसे दोनों हाथ वैसे हैंडल बार पे वैसे रख ही रखो, एक हाथ वैसे हैंडल बार पे रखा एक हाथ वैसे मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो वो काफ़ी वैसे डेंजरस है। तो यहाँ का रोड्स वैसे थोड़ा सा हल्का सा वैसे अच्छा है। और यहाँ पे आपको काफ़ी जल्द वैसे होटल्स वगैरह है वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कार्स वगैरह और बाइक्स वगैरह के जो गैरेज वगैरह है रिपेयरिंग के वर्कशॉप है वो देखने को वैसे मिल जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कितने ज़्यादा बड़े बड़े व्हीकल। तो ये जो रास्ता है वो राजपिपड़ा की ओर जाता है और पोईचा की ओर जाता है। वाह वाह क्या बंदा है यार, स्क्वाड बाइक देखी नहीं और चालू हो जाएगा इन लोगों का छपरीपन। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छपरी देखने को वैसे मिल रहा है यार, वो डेलक्स वाला एचएफ डेलक्स वाला देखो कॉर्नरिंग कैसे कर रहा है। वाह इसको भी क्या बोले, इसको गालियाँ देते हैं हमारे ग्रुप वाले। देखो ये बंदा कैसे जा रहा है, देखो देखो जैसे यार हेलमेट पहन के ड्रैग रेस कर रहे हैं वैसे झुक जा रहा है। और भी वो बंदा आई थिंक वैसे चला गया यार, कैसे चला रहा था। यहाँ से हमें ले लेंगे लेफ्ट साइड और ये जो रास्ता है वो जाता है राजपिपड़ा। तो हमें लेना है लेफ्ट साइड और ये पोईचा गांव आता है। और यहाँ पे एक स्वामीनारायण का जो टेंपल है वो देखने को वैसे मिलेगा। तो ये रहा पोईचा। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पोईचा स्वामीनारायण टेम्पल। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए। और ये भी वैसे शायद वैसे नया बनाया गया है, ये पहले नहीं था। तो ये क्या है मुझे वैसे मालूम नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है यार, बहुत ही शानदार। ये जो एंट्रेंस है वो काफ़ी वैसे बढ़िया लग रहा है। और सब लोग वैसे जा रहे हैं अभी गौधाम, मतलब कि यहाँ पे गौशाला है आई थिंक। तो ये नया बनाया गया है यार, पहले नहीं था। को स्लीप वैसे लेनी पड़ेगी। और ये पूरा पार्किंग एरिया है तो हमने बाइक्स वगैरह वैसे रख दी है। और अभी हम जा रहे हैं आगे
तो बने रहना वीडियो पे और वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। तो वहाँ से हमने एंट्री हाईवे से ली थी, तो वहाँ पे एक एंट्रेंस है और जो मेन एंट्रेंस है वो ये वाला है। आप देख सकते हो यहाँ से आप वैसे आना चाहते हो तो भी वैसे आ सकते हो। आप वैसे किस जगह पे वैसे अपने व्हीकल को पार्क किया है उस पर डिपेंड करता है। तो हमने उस साइड जो व्हीकल है हमारा जो MT-15 है वो पार्क किया है, तो हमने वहाँ से एंट्री ली। और ये सारी जो शॉप वगैरह है वैसे आप देख सकते हो, और ये मेन एंट्रेंस है आप देख सकते हो। वहाँ पे जो बड़े बड़े व्हीकल है कार्स वगैरह है वो पार्क किए गए हैं, और काफ़ी वैसे सही है यार, यही मेन एंट्रेंस है। तो यहाँ पे वैसे नेटवर्क वगैरह नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वैसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपके पास कार्ड वगैरह है तो आप वैसे पैसे वगैरह निकालना चाहते हो तो यहाँ पे वैसे ATM भी वैसे प्रोवाइड कर दिया गया है। SBI का यहाँ पे ATM वगैरह भी वैसे देखने को वैसे मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे वैसे आप वैसे अर्ली मॉर्निंग आ जाते हो तो काफ़ी से बढ़िया है, क्योंकि अभी मैं आया हूँ 12 बज चुके, तो अभी मंदिर है टेंपल है वैसे क्लोज हो चुका है और 3 बजे वैसे ओपन होगा। तो अभी तक वैसे हम वेट करेंगे जो सारी चीज़ें वैसे कवर करेंगे, तो बने रहना वीडियो पे। ये रहा एंट्रेंस, तो अभी हम दूसरी जगह एक्सप्लोर कर दें और बाद में हम वैसे अंदर जाएँगे। तो यहाँ पे एक टॉयलेट है, शौचालय है, और यहाँ पे पूरा पार्किंग एरिया है, तो वहाँ पे हमें जाना है और वहाँ से हमें जाना है कुबेर भंडारी। तो वहाँ से आप वैसे नाव में बैठ के जा सकते हो, तो अभी हम वैसे वहाँ जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं वो रिवर वगैरह है वैसे कैसे दिख रही है और कितने फीस होती है वहाँ कुबेर भंडारी जाने के नाव में, कितने पैसे लेते हैं। तो अभी वीडियो को कंटिन्यूस करते हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा वैसे अच्छा दिख रहा है और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, और बादल भी वैसे काफ़ी वैसे बड़ा लग रहा है। और वहाँ पे जो कुबेर भंडारी का मंदिर है वो वहाँ पे है, सारे लोग है वैसे अभी सामने की ओर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। अच्छा हो रखा है और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, तो भी वैसे हम मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। तो भी हम वैसे चलते हैं ऊपर और मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये पूरा कैंटीन है आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो शॉप है वो दिखने को इसे मिलेगी। तो आप देख सकते हो ये पूरा कैंटीन है और काफ़ी वैसे बड़ा कैंटीन है, और आज वैसे संडे नहीं है तो काफ़ी कम पब्लिक है, और यहाँ पर आप शेड्यूल वगैरह देख सकते हो। तो मंदिर से दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे वैसे ब्रेकफास्ट करना चाहते हो या फिर कोई भी खाने की चीज़ लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, और उसके बाद आपको पहले जो काम है वो करना पड़ेगा कि वहाँ पे एक टोकन सेंटर है, मतलब कि टोकन आपको है वो लेनी पड़ेगी। जो भी आपको चीज़ है ख़रीदने हैं खाने की, तो वहाँ पे आपको जो पैसे है वो पे करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी जो भी चीज़ें हैं वो आपको लेनी है, वो सारी जो चीज़ें हैं और उसकी जो प्राइस है वो सब वैसे लिख के आपको मिलेंगी। तो और वेदर है वो आप देख सकते हो काफ़ी वैसे बढ़िया लग रहा है, और देख सकते हो काफ़ी वैसे अच्छा व्यू आ रहा है, और बैकग्राउंड में वैसे म्यूज़िक चल रहा है और काफ़ी वैसे अच्छी फील आती है। देख सकते हो ये मंदिर कैसा दिख रहा है, और ये बिल्कुल वैसे नज़दीक है जो कैंटीन है वहाँ से। तो आप वैसे वेदर है वैसे देख सकते हो काफ़ी वैसे बढ़िया हो रखा है, मौसम के सीजन में आप वैसे यहाँ पे आते हो तो वैसे वेदर का जो मज़ा है वैसे ले सकते हो। तो अभी मैं आपको थोड़े से सिनेमेटिक वीडियोज़ है वो दिखा रहा हूँ। तो 2:51 हुई है और अभी 9 मिनट तक वैसे यहाँ पे बैठना पड़ेगा और उसके बाद हम इसे एंटर करेंगे। तो आप वैसे मॉर्निंग में आते हो तो काफ़ी वेस्ट है, और 12 बजे के बाद वैसे आप यहाँ पे आते हो तो 3 बजे जो मंदिर है उसका जो गेट है ये वाला वो वैसे ओपन होगा। तो आप वैसे दूसरी जगह है वो वैसे एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो। तो अभी वैसे 3 बज चुके हैं, तो अभी जो गेट है वैसे ओपन हो चुका है, तो अभी चलते हैं, शूज़ वगैरह को वैसे निकाल देते हैं। तो हमने चप्पल वगैरह वैसे निकाल दी, शूज़ वगैरह वैसे निकाल दिए, अभी हम एंटर कर रहे हैं। और वेदर भी वैसे काफ़ी अच्छा हो रखा है, लेकिन ये
यहाँ पे ब्लॉक्स लगाए गए हैं, उसकी वजह से काफ़ी गर्मी हो रही है, काफ़ी वैसे जो पैर है वो जल रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा है। और ये मेन मंदिर का एंट्रेंस है, देखो काफ़ी वैसे बढ़िया लग रहा है। और मानसून में आप आने की कोशिश करो, काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा होता है। तो यहाँ पे आप वेदर देख सकते हो, काफ़ी वैसे बढ़िया लग रहा है। और हम वैसे नीचे भी जाके आए, तो आप व्यू देख सकते हो, काफ़ी वैसे बड़ा लग रहा है, बहुत ही शानदार। नीचे आपको ये हवेली लिख के दिखाई दे रहा है, आप ऐसे जाना चाहते हो तो जा सकते हो। हम वैसे ऊपर जा रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ का वीडियो वैसे काफ़ी वैसे लॉन्ग हो सकता है। चलते हैं अभी ऊपर। देखो गणेश जी की प्रतिष्ठा है यहाँ पर, गणेश जी का मंदिर हर एंट्रेंस पर आपको देखने को वैसे मिलेगा। आप कोई भी मंदिर को एक्सप्लोर करते हो तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। आप पूरे मंदिर की प्रदक्षिणा करना चाहते हो तो वैसे आप यहाँ पे जाके प्रदक्षिणा है वैसे कर सकते हो। और काफ़ी बड़ा मंदिर है और काफ़ी बड़े क्षेत्र में बनाया गया है, और देख सकते हो क्या ही नज़ारा आ रहा है। तो अभी वैसे 3:30 के आसपास वैसे हो चुका है, और काफ़ी ज़्यादा वैसे आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करना है, ये सारी जो जगह वैसे देखनी है, तो आप वैसे अर्ली मॉर्निंग आ जाओ। और आपके पास काफ़ी ज़्यादा वैसे टाइम है वैसे रहेगा, तो आप वैसे काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी वैसे वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वैसे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सेफ राइड एंड सेफ ड्राइव।